हूँ आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति जीवन में सफल व सुखी रहना चाहता है और सुखमय जीवन जीने के लिए हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, भगवान व पितरों की कृपा अति आवश्यक है। और यही कारण है कि सुखमय जीवन के लिए नित्य भगवान को याद करना, उनकी पूजा करना हमारी आदत में होना चाहिए। और जीवन में कई बार दोस्तों ऐसा समय आता है जब हमारी कुंडली के ग्रहों की चाल बदलने लगती है और हमारा सुखमय जीवन कष्टों से भर जाता है, संकट पर संकट आने लगते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जून जुलाई का समय है, भीषण गर्मी पड़ रही है, यानी गर्मी को आप संकट मान लीजिए। अब आपको घर से बाहर निकलना है, तो क्या आप इस भीषण धूप को समाप्त कर सकते हैं? क्या आप इस भीषण गर्मी को समाप्त कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं। लेकिन दोस्तों, आप धूप को समाप्त तो नहीं कर सकते, गर्मी को समाप्त तो नहीं कर सकते, परंतु आप एक छाता अपने साथ लेकर तो जा ही सकते हैं और यह छाता आपकी धूप से रक्षा करेगा। यानी यदि हम ग्रहों की स्थिति को नहीं बदल सकते तो कुछ ऐसा उपाय तो कर ही सकते हैं जिनसे उनके दुष्प्रभावों को पूरा नहीं तो कम से कम कुछ कम किया जा सके। जिस प्रकार छाता धूप को समाप्त तो नहीं कर सकता, मगर धूप की तीव्रता को, धूप के प्रभाव को कुछ कम तो कर ही देता है। यानी आपने धूप से बचने के लिए एक आसान उपाय किया, छाता खोला और धूप आपके लिए कम हो गई। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में विभिन्न शास्त्रों में अजमाए हुए उपाय बताए गए हैं जिनसे आप राहु दोष, केतु दोष, शनि दोष, पितृ दोष व अन्य दोषों के प्रभावों को कम कर सकते हैं और इनके दुष्प्रभावों से राहत पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप नित्य जीवन में अपना कर संकटों को कम कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज की अपलोड लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीपल व कच्चे दूध के चमत्कारी उपायों की। और दोस्तों, पीपल का वृक्ष धरती के लोगों के लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, साक्षात ईश्वर का रूप है। दोस्तों, पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह एक दिव्य शक्तियों से युक्त वृक्ष है। ज्योतिष के अनुसार भी पीपल सबसे ज्यादा पूजनीय है। पीपल में सभी ग्रह दोषों को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। वैसे हर ग्रह के लिए पीपल का अलग अलग उपाय है, मगर आज आपको सर्व मान्यता के अनुसार बेहद आसान उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय के अनुसार आपको प्रत्येक शनिवार को यह उपाय करना होता है और शनिवार के दिन आप प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धोकर एक मिट्टी का दीपक लीजिए, 5 सुगंधित अगरबत्ती लीजिए, कच्चा सूत का गट्टा लीजिए और थोड़ा गुड़ ले लीजिए, गुड़ करीब 100 से 200 ग्राम गुड़ ले लीजिए, 2 रोटी लीजिए आप और 1 पाव कच्चा दूध लीजिए, रोली और चावल लीजिए और माचिस की डिबिया ले लीजिए, बस दोस्तों। और अब आप ये सारी सामग्री लेकर अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर नज़दीक के ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पीपल का वृक्ष लगा हो। और यदि मंदिर में वृक्ष नहीं है तो आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, लेकिन यदि मंदिर में है तो बहुत अच्छा है। और दोस्तों, यदि यह मंदिर शिव मंदिर हो जिसमें कोई शिवलिंग स्थापित हो तो यह सोने पर सुहागा होगा। अब पीपल के वृक्ष के पास खड़े होकर पहले आप सूर्य देव का ध्यान लगाइए और वहां खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। फिर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर रखिए और वृक्ष का पूजन करके वहाँ रोली से तिलक लगाइए और थोड़े चावल चढ़ाइए और अपने मस्तक पर भी आप रोली से तिलक लगाकर चावल लगा लीजिए। और दोस्तों, पीपल के वृक्ष के तिलक लगाने के बाद में आप पीपल के वृक्ष की साथ परिक्रमा लगाइए और परिक्रमा लगाते हुए यह कच्चा सूत का गट्टा, ये कच्चा सूत जो आप साथ में लाए हैं, वह पीपल के वृक्ष के तने पर आप लपेटते जाइए और परिक्रमा करते समय आप अपने इष्ट देव को याद करिए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। और दोस्तों, 7 परिक्रमा पूर्ण होने के पश्चात आप दीपक में, मिट्टी का दीपक जो आप साथ में लाए हैं, उसमें सरसों का तेल डालिए या फिर गाय का घी डालिए और दीपक में बत्ती लगाकर और दीपक को जलाकर पीपल के तने के नीचे रख दीजिए और वहीं बैठकर पहले हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए
और फिर शनि चालीसा का पाठ करिए। और दोस्तों अब जो कच्चा दूध आप साथ में लाए हैं उसमें से आधा दूध आप पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा भी अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा ही रखना है, सारा गुड़ नहीं रखना है। और दोस्तों अब बचा हुआ दूध आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा आइए, और यदि आपके पास चावल भी बचे हुए हैं तो वह चावल भी आप शिवलिंग पर चढ़ा आइए। अब आपके पास बचा है दो रोटी और वह गुड़ जो आप साथ में लेकर आए हैं। दोस्तों कम से कम 100 से 200 ग्राम गुड़ लेकर आना है आपको। अब आप वहां से घर की ओर निकल जाइए और रास्ते में जो गाय आपको पहले दिखे उसे अपने हाथों से वह दोनों रोटी और गुड़ श्रद्धा पूर्वक भाव से अपने हाथों से इसे खिला दीजिए। और दोस्तों यदि आप कर सके तो नित्य अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए और गाय को गुड़ व रोटी अवश्य खिलाइए। गाय को गुड़ व रोटी खिलाने से आपके सभी दोष दूर होते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, गाय दुनिया का एकमात्र प्राणी है जो ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। और दोस्तों यह चमत्कार को प्रमाणित करने के लिए कोई कम वैज्ञानिक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों शनिवार के इस उपाय को आप नियम से करने पर आपके जीवन में से राहु दोष, केतु दोष, शनि दोष व पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके रुके हुए सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो आपके धन की कमी शीघ्र ही दूर हो जाएगी और सारे ग्रहों के दुष्प्रभाव स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। और दोस्तों यह उपाय आप करके देखिए, 4 शनिवार के बाद ही यानी 1 महीने में ही आपके जीवन में आप बदलाव महसूस करने लगेंगे। और दोस्तों जीवन में बदलाव आने के बाद वापस इस वीडियो पर जरूर आइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए जिनसे लोगों को आपके जीवन में आए बदलाव का पता चल सके। तो दोस्तों यह जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।